सो हेलो एवरीवन, कैसे तुम सब? एंड आई होप तुम लोग फोर रहे होगे एंड मचा रहे होगे। एंड आज मैं क्लास 11th एंड 12th वाले भी वीडियो देख सकते हैं, ड्रॉपर्स भी देख सकते हैं। तो मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ फॉर बेस्ट बुक्स फॉर जेई प्रिपरेशन ए टू जेड गाइड। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि जेई प्रिपरेशन में बेस्ट बुक्स क्या है। तो बेसिकली कुछ दिन पहले मैंने लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया कौन सी किताबें पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए जेई का, अगर कोई कोचिंग नहीं कर रहा, अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा तो कैसे किया जाए। तो देखो, फिलहाल तो मैंने स्टूडेंट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि तीन कैटेगरीज में, तीन या दो कह सकते हो। एक जो प्रॉपर सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, दूसरा जो कोचिंग जाते हैं, और तीसरा जो तुम्हारा कोचिंग भी कर रहे हैं प्लस सेल्फ स्टडी भी कर, बेसिकली मतलब कोचिंग भी कर रहे हैं एंड वो घर पे भी आके मतलब खुद से पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल उनका कोचिंग मान लो उतना अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, तो उन्हें उस लेवल के अगर नहीं मिल रही है तो खुद से आके बुक से भी अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें मैंने कवर कर रखा है। उसमें ये भी एग्जाम्पल तुम ले सकते हो जो ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग वाले बहुत कंसिस्टेंट नहीं होते हैं तो वो भी बुक्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत तरह की यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले रखी है। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीधे वीडियो की ओर एंड हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स से। तो देखो, मैथ्स में सबसे पहले दो तीन चीजें याद रखना, जो भी बच्चे कोचिंग के हो, कोचिंग मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट के हो या फिर ऑनलाइन में सिंसियरली कोचिंग कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम रेजोनेंस में हो, विद्या मंदिर में हो, तुम एलन में हो, ठीक है, तुम फिटजी में हो, एंड ऑनलाइन में कहा जाए तो तुम पीडब्ल्यू में, मोहित त्यागी सर के कोर्स पे हो, एनरोल्ड हो, ठीक है, एंड तुम सीरियस हो ऑनलाइन में भी, तब जो तुम अपना थ्योरी पार्ट है वो कैसे कवर करोगे? थ्योरी पार्ट तुम ओनली एंड ओनली तुम अपना कवर करोगे विद द हेल्प ऑफ टीचर्स यू विल गेट, ठीक है, टीचर्स ही तुमको तुम्हारा थ्योरी पार्ट करवाएंगे। अगर बच्चे की जो थ्योरी कुछ बच जाती है तो तुम किसी बुक की ओर जा सकते हो, वो भी ऑनलाइन देख लेना, एनसीईआरटी देख लेना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कोचिंग वाले स्पेशली ये चीज याद रखो। और अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो मैंने बुक्स को भी दो भागों में डिवाइड कर रखा है, ये भी याद रखो। एक हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको पीएस बोल रहे हो, और एक हो गया तुम्हारा थ्योरी, ठीक है। अब याद रखो कि कोचिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ऑनलाइन है, जो रेगुलर है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोचिंग मटेरियल का ही यूज करना। स्टिक टू योर कोचिंग मटेरियल, बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं मैं। अगर तुम्हारा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा कोटा लेवल पे है तो भाई कोचिंग मटेरियल से ही स्टिक रहना, तुम्हारा अच्छा मतलब जेई स्कोर अच्छा तुम्हारा कॉलेज मिलेगा तुम्हें 2 साल बाद 1 साल बाद, गारंटी है भाई, ठीक है। कोचिंग मटेरियल इज मोर देन इनफ। बुक्स पे वो जाना जिनके जिनका कोचिंग मटेरियल लग नहीं रहा कि उतना सफिशियंट है, जिनके कोचिंग मटेरियल में तुम्हें लग पता चल जाता है यार कि तुम्हारा कोचिंग मटेरियल जेई के लायक है कि नहीं, ठीक है। सो वो लोग स्विच करना किसी बुक की ओर, ठीक है। बात करते हैं आगे। हाँ, एक चीज और मैं एडवाइस करूंगी, तुम एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग की बुक खरीद सकते हो बिसाइड कोचिंग मटेरियल। कोचिंग मटेरियल के अलावा भी तुम एक बुक खरीद सकते हो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैथमेटिक्स में बात की जाए तो कोचिंग मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रख लो। अरिहंत सीरीज की बुक आती है फॉर थ्योरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोर प्रेफर्ड है, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है। फिर आती है सिंगेज सीरीज, थ्योरी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग, ज्यादा प्रेफर्ड नहीं है, लेकिन मैं एक लिस्ट है बनाना है मुझे बुक्स की तो मैं बता देता हूँ। खुद से भी तुम दो तीन चीजें, दो तीन चैप्टर्स पढ़ के स्टार्टिंग में देख सकते हो, लाइब्रेरी से ले लो, अपने सीनियर से बुक ले लो एंड पढ़ के देख लो तुम किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो। हर बच्चे की अलग अलग होती है, उनकी कहाँ ईज है उनको पढ़ने में, ठीक है। तो तुम अलग अलग ट्राई कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। फिर हो गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मस्ट है भाई, मैं तो बोलूंगा ये रिकमेंड करूंगा ले लो भाई, ये तो लेना ही चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है। फिर है द ब्लैक बुक, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर जेई एडवांस, ठीक है। अगर अगर तुम्हारा सारा कोचिंग मटेरियल खत्म हो जाए, तुम्हारा मन भर जाए, तब तुम ब्लैक बुक खरीदना। ब्लैक बुक बहुत ही एडवांस लेवल की बुक है। नीचे आते हम देखते हैं कुछ बुक्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे ये कोचिंग मटेरियल, अगर तुम मान लो अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि मैं भैया कोचिंग तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे कोचिंग मटेरियल बता दो कौन सा सॉल्व करना चाहिए, मैं बिना कोचिंग के ही कोचिंग मटेरियल सॉल्व करूंगा क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा इफिशियंट है, तो रेजोनेंस का मैं हमेशा ही रेकमेंड करते आ रहा हूं और आज भी मैं रेजोनेंस ही रेकमेंड करूंगा। रेजोनेंस का मटेरियल सॉल्व करना बेस्ट मटेरियल है, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फॉर जेई प्रिपरेशन, ओके। तो रेजोनेंस का मटेरियल तुम प्रेफर करना। नेक्स्ट अरिहंत सीरीज देखो, ये है अरिहंत सीरीज। तो अरिहंत सीरीज में ये
सात बुक्स आती हैं, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस की, डिफरेंशियल कैलकुलस, प्ले विद ग्राफ्स की आती है, एंड एक सेकेंड, फिर तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एलजेब्रा, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारा सिंगेज सीरीज, अगेन इसमें पांच बुक्स आती हैं, कैलकुलस, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, ठीक है। मैं इसको इतना रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि थोड़ा इररिलेवेंट हो जाता है तुम्हारे सिलेबस से, थोड़ा सा ज्यादा ही हाई लेवल हो जाता है, लेकिन अगर तुम्हें मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आई विल रिकमेंड गो फॉर दिस, ठीक है, गो बिहाइंड दिस फॉर श्योर। नेक्स्ट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो मैं इसमें पता है क्या रिकमेंड करता हूँ, शॉकिंगली पहले मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता था, लेकिन अब मैं क्या रिकमेंड करने लगा हूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये वाला बुक खरीदो, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला बुक, मतलब अरिहंत का वर्जन खरीदो जिसमें सॉल्यूशंस भी हो। ऐसा क्यों भैया? भाई ऐसा इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि बात को अगर तुम इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में, ठीक है, ऐसे बुक तो ऐसा होता है, लेकिन तुम, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि तुम सॉल्यूशन वाला ही बुक खरीदो, ठीक है। फिर है द ब्लैक बुक, ये तो भाई क्या ही बोलू, गॉड बुक है भाई ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं अब फिजिक्स के ऊपर, अगेन सेम चीजें दो तीन बार, कोचिंग मटेरियल जो तुम्हारा है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ फॉर कोचिंग स्टूडेंट्स और फॉर नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स जिन्हें कोचिंग मटेरियल से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। एचसी वर्मा ले लो फॉर थ्योरी, गलत स्पेलिंग है, करेक्शन, या एंड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यू नीड सम मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस। तो ये नोट इसका क्या मतलब है बताता हूं, एचसी वर्मा जो बुक है, इधर आओ, सॉरी इधर आओ, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है, ऐसे दिमाग में नहीं घुसेगी। एचसी वर्मा जो तुम्हारी बुक है, ठीक है, वो बहुत ही मतलब दिखने में आसान लगती है, पतली सी है, थ्योरी कंसाइज है, लेकिन भाई वो गॉड लेवल बुक है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है ना बहुत ही ज्यादा अच्छी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स है उसमें, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए उससे पहले तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो इसमें अगर तुम कोचिंग की हो तो कोचिंग मटेरियल सॉल्व करना तभी एचसी वर्मा पे शिफ्ट करना, नहीं अगर तुम कोचिंग मटेरियल तुम्हारे पास नहीं है तो डीसी पांडे करो फिर एचसी वर्मा करो, ठीक है, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। थ्योरी के लिए भी तुम एचसी वर्मा पढ़ सकते हो, माइंड ब्लोइंग है, मस्त है भाई, ठीक है। फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे हो जाता है रेसनिक हैलिडे, हैलिडे का वॉकर सीरीज होता है, एक रेसनिक हैलिडे क्रेन, एक रेसनिक हैलिडे वॉकर है, तो मैं तो वॉकर सजेस्ट करता हूं, ठीक है, थ्योरी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों हो गया। बीसी पांडे ओनली फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंगेज सीरीज ओनली फॉर थ्योरी, एंड फॉर हाई लेवल ट्राई आई इरोडो। तो हाई लेवल पे किसको जाना है, जिन्हें फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरे को जैसे फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था तो मैंने फिजिक्स का इरोडो भी सॉल्व कर रखा था, रेसनिक हैलिडे भी सॉल्व कर रखा था, तो तुम्हारे पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, तुम कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हारे में है जज्बा तो करो भाई। तो ऐसे ही मतलब तुम फिजिक्स में आगे बढ़ सकते हो। एंड चलते हैं इसके कुछ बुक्स देख लेते क्या है, एससी वर्मा में दो पार्ट आएंगे ऐसे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, रेसनिक हैलिडे का बुक है ये, वॉकर दो सीरीज है, डीसी पांडे का पांच बुक आता है देख लो, ठीक है, एंड सिंगेज सीरीज के छह बुक्स आते हैं, ठीक है। अगेन सिंगेज मैं रिकमेंड नहीं करता हूं भाई, बहुत टाइम वेस्टिंग है, लेकिन एक चीज याद रखना सिंगेज को लेके, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कोचिंग वोचिंग नहीं कर रहे हो, तुम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो कोचिंग के साथ, तुम एकदम कंफर्टेबल हो सेल्फ स्टडी, ओनली सेल्फ स्टडी, होते हैं 5-10% बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, तुम अपनी प्रिपरेशन सिंगेज से ही करोगे, क्योंकि सिंगेज में चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, इनऑर्गेनिक का हो, भाई वो थ्योरी प्रॉब्लम सॉल्विंग सबके लिए बेस्ट है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पे निर्भर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर तुम अदर देन मतलब कोचिंग भी कर रहे हो, इधर से लेक्चर्स भी देखते हो यूट्यूब से, एंड उसके बाद तुम सिंगेज कर रहे हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, एंड या समझ गया ना। तो बाहर से भी अगर लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब से तब भी इस बुक को छूना टाइम वेस्ट के बराबर है, अगर तुम खुद से ही पढ़ रहे हो सिर्फ तब इस बुक पे जाओ भाई, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल बुक है, मजा आ जाएगा। आई इरोडो देख लो ऐसी होती है, ठीक है, अरिहंस पब्लिकेशन की आती है, तुम ले सकते हो, एक नंबर बुक है।
जल्दी जल्दी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो तुम चार बुक देख रहे हो ना, चार बुक, ये चार बुक देख रहे हो यहाँ पे मेरे सामने, ये तुम्हारा ना बाप बुक है पूरे इनऑर्गेनिक का। पूरे इनऑर्गेनिक का लिख के ले लो, एनसीईआरटी से बेस्ट बुक कोई तुमको नहीं मिलेगी, ठीक है। स्टिक टू एनसीईआरटी लास्ट तक, अपने एडवांस के पेपर तक स्टिक टू एनसीईआरटी एंड स्टिक टू माई वर्ड्स एंड लिसन केयरफुली दैट एनसीईआरटी इज मस्ट टू रीड टू सॉल्व एवरीथिंग कोचिंग मटेरियल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तो मैं रिकमेंड करूंगा, जो कोचिंग में नहीं है वो भी खरीद लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी हो जाएगी तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थ्योरी के लिए एनसीईआरटी ले लेना, एंड अगर तुम्हें डाइव इन करना है सब्जेक्ट में, तुम्हें सब्जेक्ट में घुसना है, तो जेडी ले लो थ्योरी वाइज। एंड अगर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग में महारत हासिल करनी है, तो वीके जायसवाल ले लो भाई, परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं आगे, हम लोग जेडी ली के बारे में बात करेंगे। जेडी ली की ये बुक आती है, ठीक है, एंड एक ऐसी बुक आती है जो ओरिजिनल जेडी ली की है। मैं रेकमेंड करता हूं, मेरे टीचर्स भी मुझे ये रेकमेंड करते थे कि जेडी ली की सुदर्शन गुहा वाली जो बुक है, जो एडिशन है, वो बनाना बनाना बनाया करना, ठीक है। वीके जायसवाल देख लो भाई, मेरे पास है ये पढ़ी हुई, बहुत ही अच्छी बुक है भाई, क्या ही इसकी तारीफ करूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो अगेन एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलेवेंट, बट तुम्हें थ्योरी के लिए पता है एक अच्छे टीचर की भी जरूरत है इसमें, तो यूट्यूब पे तुम अच्छे टीचर्स ढूंढ सकते हो। उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि यूट्यूब पे किससे पढ़ा जाए, कौन सा सब्जेक्ट, बेस्ट चैनल्स फॉर यू करके एक वीडियो बना दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी थ्योरी वाइज वेरी इंपॉर्टेंट, एमएस चौहान फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग खरीद लेना, ये खरीद लेना, मैं बता रहा हूं, अगर तुम 11 में हो मस्ट, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मॉरिसन एंड बॉयड ये भी तुम पढ़ सकते हो, फॉर थ्योरी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आयल फिनार है, पियर्सन है, बाल एंड बाल है, फॉर थ्योरी बाल एंड बाल, ठीक है। अगेन मैं इनमें से कुछ भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। फॉर थ्योरी तुम टीचर से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एमएस चौहान बनाओ, कोचिंग का मटेरियल बनाओ, खत्म कहानी, ठीक है। चीजों को सिंपल रखते हैं, थोड़ा भी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है, वीडियो लंबा हो रहा है, तुम लोग वीडियो छोड़ के भाग भी रहे हो, मुझे पता चल रहा है। एमएस चौहान, ये रही एमएस चौहान बालाजी पब्लिकेशन की, खरीद लेना भाई, मस्ट है, ठीक है, मस्ट बुक है ये। मॉरिसन एंड बॉयड देख लो तुम्हारी, ये है मॉरिसन एंड बॉयड की ओरिजिनल, एंड ये है उसकी एंड ये रही उसकी तुम्हारी पियर्सन वाली, ठीक है। नेक्स्ट आई एल फिनार की बुक देख लो भाई, ये भी बहुत अच्छी बुक है। अगर तुम सेल्फ स्टडी, वही, अगर तुम कोचिंग वाले नहीं है स्टूडेंट, तो तुम आई एल फिनार, मॉरिसन बॉयड, ये सब ट्राई कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। ऐसे हार्ड एंड टफ एंड टफ एंड रूल नहीं है कि तुम भाई करो ही करो, तुम नहीं करो, ठीक है। ये रही बाल एंड बाल की बुक, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, एंड फिजिकल केमिस्ट्री में तो तुमको पता ही होगा, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। अगेन अब मैं कांस्टेंट रखा हुआ कोचिंग मटेरियल, कोचिंग मटेरियल तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके ऊपर आती है एन अवस्थी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओपी टंडन आती है उसके बाद तुम्हारी फॉर थ्योरी, बहुत ही महंगी बुक्स आती है इसकी, यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री बाय ब्रूस महान, पीटर एकिंस थ्योरी, आरसी मुखर्जी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग हाई लेवल। अगर तुम्हें हाई लेवल जाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ये बुक ले ही लेना, मैं तो कहूंगा ये बुक तुम अभी ले लो, मस्ट है ये भी, मस्ट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, मस्ट बुक है ये, ठीक है। एन अवस्थी भी मस्ट बुक है, ठीक है, ये दोनों ले सकते हो। चलो इसमें इन दोनों में से कोई एक लेना, एनी वन, ठीक है, ये थोड़ी हाई लेवल है याद रखना, ठीक है। एंड वही अगेन जो तुम्हारी सेल्फ स्टडी करते हो, पीटर एकिंग्स या फिर यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री ले लो, बेस्ट ऑप्शंस तुम्हारे पास होंगे। नेक्स्ट बात की जाए एन अवस्थी, देख लो भाई प्यारी बुक है भाई, ये बहुत प्यारी बुक है, मेरे पास यही थी, ओपी टंडन की ये रही बुक, जीआरबी बुक्स, यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री की बुक ये रही, एंड पीटर एकिंस की ये रही, फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है, बहुत प्यारी बुक है ये, आरसी मुखर्जी की बुक ये रही, ये तो बहुत ही मस्त बुक है भाई, मतलब मैथ्स का आरएस अग्रवाल एंड इसका आरसी मुखर्जी, बट क्वेश्चन का लेवल हाई होता है, ठीक है। चलो फॉर कोचिंग स्टूडेंट्स
मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कोचिंग मटेरियल, सॉल्व इट फर्स्ट देन थिंक अबाउट एनी अदर. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लिसन केयरफुली. दैट कोचिंग मटेरियल तुम्हारे लिए मतलब क्या ही बोलू, पत्थर की लकीर है, उसे तो करना ही करना है. उसको अगर तुम कंप्लीट कर लिए, उसके बाद किसी दूसरे बुक के बारे में सोचना है. ठीक है, एंड एंड हो गया हमारा पीपीटी इसके बाद. तो हाँ, यहां तक मैंने जो भी बोला, आई होप तुम्हारे दिमाग में बातें जा रही होंगी. क्या तुम्हें करना है, क्या तुम्हें नहीं करना है, अभी डिसाइड कर लो. अभी समय है, अभी स्टार्ट कर रहे अपनी जी प्रिपरेशन. क्लास 12th में भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ड्रॉप ईयर में भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ड्रॉप ईयर में तो कोचिंग मटेरियल पे ज्यादा फोकस करना, मैं इस चीज को बोल बोल के थक गया हूँ. ठीक है, 11th में हो तो अभी से ही क्लियर रखो अपना मोटिव, अभी से ही अपना टारगेट क्लियर रखो. जी एडवांस क्रैक करना है, एंड कौन सा आईआईटी कहाँ पे लेना है. ठीक है, सब चीज क्लियर रखना, अपना गोल फिक्स रखना है, गोल की ओर एकदम बढ़ते रहना हर दिन. तुम जो स्टेप ले रहे हो, तुम जो काम कर रहे हो, अगर वो तुमको तुम्हारे आईआईटी, अगर तुम्हारे गोल की ओर तुमको ले जा रहा है तो वही काम करो. अगर वो काम तुम्हें नहीं ले जा रहा तो मत करो. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. ठीक है, रैट रेस से बाहर निकलना है तो पहले रैट रेस में घुसना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा, ये समझो. चलो, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आगे भी हम और ऐसे ऐसे अच्छे टॉपिक्स के बारे में बात करते रहेंगे. कमेंट में आप बता देना आपको और किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, एंड फिर ऐसे में वीडियो लाते रहूंगा. एंड लास्ट मेरा मंत्र याद रखना कि गाइज, मेरे प्यारे भाई और बहनों, डोंट स्टडी हार्ड बट ऑलवेज स्टडी स्मार्ट. बाय.